हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू ऑसम वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है हम पांडा, हाउ टू मेक एन पांडा। तो आज हम लोग टिंकर कैड में पांडा बनाएंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हाउ टू मेक अ कप और टिंकर कैड के पेज में क्या क्या होता है। तो पहले जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो पहले वो देखाएँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो आज हम ऐसा एक पांडा बनाने वाले हैं, ओके। ये तो एकदम नॉर्मल सा पांडा, इजी सा। मैं आप चाहे तो आप इससे हार्ड भी बना सकते हैं, तो मैं आपको अभी इजी वाला बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते क्रिएट न्यू डिज़ाइंस में। आई क्रिएट न्यू डिज़ाइंस आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहले नाम चेंज कर देते हैं। तो हम लोग नाम चेंज करके लिखते हैं पांडा। मेरे पास दो दो पांडा हो जाएंगे, इसके लिए मैं इसको अभी पांडा टू लिख रहा हूँ। पांडा टू, आप कुछ भी नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक स्फीयर, ये वाला स्फीयर, उसको ड्रैग करके बीच में लाएंगे। अरे आया नहीं, आ गया। ड्रैग करते हुए बीच में लाएंगे, इसकी हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, हाइट लेंथ ये सब। विथ इसके ऊपर खींचेंगे, नहीं थोड़ा और बड़ा करते हैं, हाँ ये ठीक है। अब इसको अच्छा सा स्फीयर बनाएंगे, फिर इसका कलर कर देंगे वाइट, ठीक है, वाइट कर दिया। अब इसका करेंगे हम डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। अब इसको टॉप व्यू पे ले जाके साइड करेंगे, साइड किया। अब इसको ऐसे करते छोटा कर देंगे, मतलब इसके सर का पार्ट के लिए। तो इतना होगा ना, इससे और मोटा करते हैं थोड़ा सा, यस, और थोड़ा, आई थिंक 40 चलेगा, 45 यहाँ पे लिखते हैं 45, और इसको भी करते थे 45, 45 हो गया। तो ये ठीक है, अब इसकी हाइट एडजस्ट कर लेंगे अच्छा सा सर्कल सोच के। अरे कहाँ से भाग रहे हो, ठीक है। हम इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, ड्रैग करके ऊपर ले गए, ठीक। और इसको बीच में लाएंगे, हो गया। उसको और थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको क्या सिलेक्ट एरो ऊपर करो, थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करते हैं, थोड़ा बड़ा है, हाँ 40, इसको ठीक है 40 सही है, हाँ। अब इसको वापस हाइट एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा, हाँ इसको सेंटर में, इसको इस तरफ, हाँ डन, अब सही हो गया, सही है ना। नहीं, थोड़ा इस तरफ आएगा, देखिए इस तरफ से थोड़ा एकदम सेंटर में लाना है आपको, सारे डायरेक्शन से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ठीक है, अब इसका हम लोग बनाएंगे आँख, पैर और कान, आँख पैर कान और नाक, ये सब के लिए हमें चाहिए सिलेंडर। अब लेंगे सिलेंडर, अब आई थिंक सिलेंडर का डिफ़ॉल्ट साइज कान के लिए बहुत है, तो पहले इसको एकदम पतला कर देंगे लेयर में। तो आप इसका यहाँ पे कर दीजिए टू बी वन आप को, लेकिन कान थोड़ा पतला होता है ना। तो अब इसको करेंगे रोटेट इनटू 90 डिग्री, यहाँ से रोटेट करेंगे 90 डिग्री नीचे से, हाँ हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, कान सही होगा कि छोटा करेंगे, रुकिए यहाँ पे ले जाते हैं इसको ऊपर पहले, कान रुको पहले सेट कर लेते हैं, इसको किया सिलेक्ट, अब एरो की से एडजस्ट करेंगे, हम
इस तरफ ले जाएंगे, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो इसके लिए ना चलेगा चलेगा, चलो इतना चलेगा, थोड़ा पीछे पीछे कर लेंगे। अब इसको करेंगे कलर ब्लैक, अब इसका करेंगे, इसको सिलेक्ट करके करेंगे कंट्रोल डी, अब इसको ऐसे इसी तरफ ले आएंगे। हाँ हो गया, इसके दोनों कान बन चुके हैं, ठीक है। अब बनाने हैं इसके पैर, ठीक है। तो ये थोड़ा पीछे नहीं है, तो थोड़ा इसको पीछे करना पड़ेगा, ये ना बीच में नहीं है, मतलब देखिए बीच में नहीं है, अब इसको थोड़ा पीछे करते हैं। हाँ अब सही है, यस ना परफेक्ट, ओके। तो अब हमें वापस सिलेंडर चाहिए, अब स्पीयर का भी यूज़ कर सकते हैं आँख बनाने के लिए, तो पहले मैं सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ, स्पीयर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका पैर बना लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। पहले यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 90, ठीक है। अब यहाँ पे जाके लिखते हैं 90, नहीं हुआ रोटेट 90 नहीं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए ऐसे, इसको पकड़ के इतना सही है। अब इसका लेंथ हाइट बढ़ाएंगे, मोटा हो रहा है, इसको पहले रीडू कर लेते हैं। हाँ रीडू नहीं, इसको भी पहले हाँ अब इसको हाइट पहले लंबा कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं 90, अब इसको यहाँ से करते हैं, अब इसको ना ऐसे ऊपर जाके वापस अपना हाइट एडजस्ट, अपना एडजस्ट करेंगे। तो पिछली बार 60 था ना, हाँ 60। अब इसको ज़मीन से टच कराए, ज़मीन से टच कराने के दो तरीके, आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, वरना ये 5 की जगह आप लिख दीजिए 0, आ जाएगा बीच में, ठीक है। अब इसका भी कलर कर देंगे ब्लैक, और इसको एडजस्ट करेंगे एरो की से, आप हाइट वेट मतलब हाइट लेंथ विथ सब आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से करूँ। फिर इसको कंट्रोल डी करेंगे, फिर यहाँ पे जाके लिखेंगे 180, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट करके करते हैं, ओके डन। पैर भी बन गए हम इसके, अब हाथ बनाना है, इसको ही वापस स्फीयर लेंगे, सिलेंडर लेंगे। अब तो हाथ थोड़े छोटे होने चाहिए, तो ऊपर जाके पहले इसकी हाइट एडजस्ट कर लेते हैं, तो मैं इसका करता हूँ 15, ओके 15 नहीं 17, चलो 17, यहाँ पे भी करते हैं 17, ठीक है 17, इसको करेंगे ऊपर, यहाँ पे करेंगे 90, यस 90। अब इसका अप टॉप व्यू से इसका हाथ का एंगल चूज कर लेंगे, यस इट्स परफेक्ट, ठीक है। अब इसका हाथ ले जाएंगे, हाथ मैं चाहूँगा कि इसका हाथ सीधा हो, मतलब हाथ फैले हो, हाँ अब ठीक है। अब इसको करेंगे ऊपर खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे इसके अपने हिसाब से, यस। अब इसका कलर कर देंगे ब्लैक, फिर ले जाएंगे यस। अब इसका ही डुप्लीकेट करना है हमें, तो पहले इसका नॉर्मल व्यू से देखते हैं, हाँ अच्छा ठीक है। अब इसको जूम करके थोड़ा ऊपर करते हैं कंट्रोल डी, यहाँ अब इसको यहाँ पे ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाएंगे। अब इसका एंगल चेंज कर देता, मतलब किस तरफ मुड़ेगा, ये ठीक है ओके परफेक्ट। अब इसका हम सिलेंडर लेंगे गन्ना बनने, शुगर केन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसा लंबा कर देंगे पहले, मतलब पहले आप इसका वो एडजस्ट कर लेते हैं ना, इसका विड्थ एडजस्ट कर लेते क्योंकि इतना मोटा तो गन्ना होता नहीं है, तो इसका कर देते हम 10,
हाँ टेन टेन ठीक है, टेन और टेन सही है। अब इसका हाइट एडजस्ट कर लेते हैं, मैंने ये भी थोड़ा मोटा है तो फाइव रखते, चलो फाइव, हाँ ये सही है हुआ फाइव, हाँ परफेक्ट। अब इसको ऐसे राइट एंगल्स राइट व्यू पे जाएंगे अपना, फिर हाइट मुझे इतना चाहिए पांडा की हाइट इतना। अब इसको यहाँ पे ले जाएंगे, अंदर ले जाइएगा, हाँ अब इसका कलर कर देंगे ग्रीन, हो गया। अब वापस ये लेंगे आइस के लिए, अब आइस का शेप तो हम, मैं सोच रहा हूँ गन्ना जीता कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका करते हैं सेवन, इसका भी करते हैं सेवन और एंटर, हाँ ठीक है आइस ठीक है। अब इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री अपसाइड डाउन, इसको क्या सिलेक्ट 90, हाँ हो गया। अब इसको आइस के हिसाब से, ये तो आइस के हिसाब से हम लोग कर लेंगे क्योंकि इतना भी तो बहुत दूर मैंने इसको ड्रैग किया है। अब इसको ऊपर करते हैं, सही है क्या, थोड़ा नीचे, इसको पहले बंद कर देते हैं, दिख नहीं रहा अच्छे से, हाँ थोड़ा नीचे ठीक है। अब यहाँ पे ले जाते हैं, अब ऊपर ऐसे ले आके अरे शूट करते हैं, आँख बनाते हैं ठीक है। तो थोड़ा नीचे हो गया, इसको ऊपर करते हैं, कहाँ गया, हाँ सही एकदम मस्त दिख रहा है। अब इसको अंदर लेते हैं थोड़ा, हाँ अब इसको करेंगे कलर ब्लैक। अब इसको थोड़ा बाहर कर लेते हैं क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि वो आ रहा है, हाँ ठीक है। अब इसको करेंगे कंट्रोल डी, हम इसको यहाँ पे लाएंगे, हाँ। अब आप इसकी नाक भी बना ही देते हैं इतना कर लिया तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको इसके विथ में जाते हैं, फाइव फाइव है ना, सेवन सेवन है ना, इसको करते हैं फोर, इसको भी फोर कर देते हैं, अरे कहाँ गया, हाँ ये है ना ये वाला, इसको किया सिलेक्ट फोर, इसको बीच में लाते हैं पहले, अरे ये क्या हो गया, लगता है गड़बड़ हो गई, हाँ अब इसको करते हैं पहले कंट्रोल डी डी, इसके विथ में जाते हैं, एक चाहिए सेवन, मुझे सेवन नहीं, मुझे चाहिए फाइव और ये भी चाहिए फाइव, ठीक है। अब इसको बीच में लाते हैं, अब इसकी हाइट एडजस्ट करते हैं, हाँ मिल गई हाइट। तो हमारा पांडा बन चुका है, इसका बस थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं, हाँ। तो हमारा पांडा बन चुका, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसको हम लोग अभी सेव कर देते हैं लैपटॉप पे, आप चाहें तो उस पर भी सेव कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं एक्सपोर्ट में .stl, ये मेरे लैपटॉप में सेव हो गया, मैं अभी खोल के दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में मुझसे गलती से .svg दब गया था, लेकिन आपको सेव करने के लिए .stl खोलना होता है, तो ये नीचे आ जाएगा। अब आपको ये तीन क्लिक ओपन करके, ये ओपन हो गया, अब ओपन करेंगे। मेरा तो विंडोज़ 10 है, जिस जैसे विंडोज 7 में अलग से खुलेगा, वैसे इसमें ऐसा खुला है, देखिए इसमें ऐसा दिखेगा, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल बाय।